हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल ऑफिस में। आज की वीडियो में बात करने वाले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। आज की वीडियो में इसकी ब्रीफ में बात करूंगा बीए बीएससी बीकॉम के बारे में। ओके, तो बीए बीएससी बीकॉम का फॉर्म आ चुका है, इसको आप कैसे आवेदन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ओके, तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है। ओके, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आप बार बार कमेंट करते रहते हो। ओके, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर जो है एडमिशन 2020 के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, चलिए इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ समय वेट करना है। तो यहाँ पर है जो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर मैं बीए बीएससी बीकॉम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको यूजीएटी बीए बीएससी बीकॉम बीएफए और बीपीए, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन है। ओके, तो प्रोसीड का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोसीड का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ओके, अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है आपको 6 स्टेप जो है फॉर्म कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट में जो है फिल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद सेकंड में जो है यूजर नेम पासवर्ड विल बी सेंड आउट एसएमएस, तो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर जो है एसएमएस भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिल द अप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ जो है फोटो एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिशन ऑफ फीस, आपको फी जो है पेड करना होगा। उसके बाद आपको फी पे करने के बाद आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फुल नेम इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको कन्फर्म फुल नेम इंटर करना है दोबारा से। यहाँ पर आपको फादर नेम इंटर कर लेना है और यहाँ पर आपको मदर नेम इंटर करना है। ओके, यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। ओके, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। और जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेशनल जैसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 91 ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 91 जो कि इंडिया का पिन होता है। ओके, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर देना है जो कि आपको वैलिड इंटर करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वैलिड इंटर करना है, इसी के थ्रू आपका सभी काम होगा। ओके, यहाँ पर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी आपको दोबारा ईमेल आईडी इंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना है। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ और प्रोसीड टू अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल कन्फर्मेशन का आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉग इन आईडी यहाँ पर दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है मोड ऑफ इंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको सेंटर सेलेक्ट होना होगा। चलिए मैं यहाँ पर करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ, यहाँ पर आप ऑनलाइन जिनकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं या ऑफलाइन। ओके, जो कि ओएमआर सीट पर होता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से ऑनलाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ सीबीटी। यहाँ पर मैं टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है ये आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो नज़दीक में पड़े वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस पर चलना है। ऊपर में आपको जो है व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो कि भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इसमें रेड कलर का बना हुआ है स्टार कनेक्शन वो आपको भरना जरूरी है। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ कास्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, लिखना है कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कास्ट जो है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एबिलिटी और कोई है। ओके, पीएस अगर आप विकलांग क्षमता के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्पोर्ट में यानी कि आप खेलकूद में आप रुचि रखते हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप यहाँ पर यस नो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये जो है आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। ओके,
तो चलिए यहाँ से आपको नेक्स्ट लेके आपको यहाँ पर सेलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर देना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर फैमिली का एनुअल इनकम आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर मेजोरिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि यस नो और अदर का ऑप्शन आ रहा है। ओके, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर काश्मीर मगरेन यानी काश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर यस या नो अपन अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ओके, यहाँ पर वारो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एम्प्लॉय। ओके, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के थ्रू आते हैं तो यहाँ पर आप यस नो अपने अनुसार यहाँ पर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर वो अनमेरिड या मेरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड। ओके, हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पर कोई सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद है पुलिस केस अगेंस्ट यू, आप पे कोई पुलिस केस भी हुआ है तो अगर हुआ है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके आपको विवरण दे देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है सभी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस बॉर्डर एड्रेस है, यहाँ पर आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 जो है आपको इस तरह का वो फिल कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड दे देना है। ओके, अगर आपको आपका जो है क्रॉस बॉर्डर एंड प्रोमेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ओके, इसमें आपको टिक कर देना है। अगर नहीं तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहाँ पर चूज करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स एड्रेस जो है सही सही फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको 10th का जो है ईयर ऑफ पासिंग आपको इंटर कर देना है, आप किस साल पास किए हैं। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट पोएट का नाम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, यह आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है यह आपको इंटर कर देना है, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किए ये आपको इंटर करना है। यहाँ पर परसेंटेज या फिर ग्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लास जो है इंटर का। ओके, तो इंटर का रोल नंबर एंड रोल कोड जैसे कि बिहार में नहीं होता है और भी बहुत सारे स्टेट में नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है 12th के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। ओके, जो भी आपका 12th का रोल नंबर हो ये आपको यहाँ पर यानी कि ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर और यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 12th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर इंटर कर देना है। ये आपको सेम जो सिस्टम से आपको फिल कर देना है। ओके, जो भी आप 12th का फिल कर रहे हैं ये वहीं आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर 12th का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, पास्ट या अप्रिंग। ओके, तो अगर आप पास्ट हो चुके हैं तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल करना है। अगर आप अप्रिंग है तो अप्रिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आपको यहाँ पर जो है नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर इंटर कर देना है। ओके, उसके बाद जो है आप टोटल मार्क्स शो नहीं मांगेगा। ओके, ये देख सकते हैं कि ये जो चारों बॉक्स है ये ब्लैंक हो चुका है। ओके, तो इसमें आपको नहीं फिल करना है। उसके बाद जो है नीचे में जो है 12th इंटरमीडिएट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम आपको यहाँ पर चूज करना है। चलिए यहाँ से आपको स्ट्रीम चूज करना है, जैसे कि आप साइंस या फिर साइंस विथ बायोलॉजी या कॉमर्स या आर्ट्स। ओके, तो कोई भी आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट करना होगा। अगर जैसे कि साइंस विथ मैथ्स से है तो आपको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो हैविंग वन सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आपको तो इसको जो है आपको ऐसे ही रहने देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोर्स अप्लाई कर। ओके, तो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि साइंस विथ बायोलॉजी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स आपको अप्लाई, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके बी ए बी कॉम बी एफ ए बी एस सी बायो। ओके, तो आप किसी भी इन कोर्स में से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं बी ए के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर बी ए सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस सेलेक्ट करूँगा, यानी सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बी ए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए प्रीफ्रेंस 1 है, इसमें आपको किस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर आप जो है प्रीफ्रेंस 2 भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ओके, प्रीफरेंस 3, प्रीफरेंस 4, प्रीफरेंस 5, ये आप अपने अनुसार यहाँ पर जितना भी आप चाहिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद टोटल जो ऑप्शन है 10 ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ओके, चलिए तो मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक बार 10th 12th का
डिटेल्स आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो आपको जो है यहाँ पर आपको सभी कॉम्बिनेशन जो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको टोटल 10 दिया गया है, टोटल 10 ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार आपको सब्जेक्ट चेक करके आपको यहाँ पर जो है इंटर कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट पेज चले गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है फोटोग्राफ अपलोड फोटोग्राफ जो है वो 80 KB का होना चाहिए, JPEG एंड JPG फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर जो है 80 KB, लेस देन 80 KB, यानी 80 KB से कम होना चाहिए, जो कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ओके, तो आपको लेफ्ट हाथ का जो है आपको थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे इंटर करना है, कहीं भी आप कागज पे इंटर कर ले ब्लैंक पेज पर। उसके बाद आपको उसको स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसका जो साइज है 80 KB से कम होना चाहिए और जो कि JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, जिससे कि आपको यहाँ पर जो है फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आप सेलेक्ट कर रखे हैं। ओके, चलिए यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपका जो है फोटो यहाँ पर शो करेगा। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो है आपको सिग्नेचर यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर आ चुका है। उसी तरह से आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके ले लेना है, यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको शो करेगा, और यहाँ पर आपको UGAT यानी कि ये UG के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, BA BSc BCOM, ओके इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन दोनों आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, इस पर आपको टिक करना है। अगर इस फॉर्म को आपको चेक करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत लगे तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई यानी कि एडिट कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तो ऑनलाइन आप पेमेंट मेथड चूज करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल फी जो है आपको 800 रुपये पेड करना होगा, और यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए पे ऑनलाइन पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन, तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है 800 रुपये आपको पेड करना होगा। सिंपली आपको कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA BSc BCOM के लिए एडमिशन पा सकते हैं। ओके, अगर इस वीडियो को से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लाइक, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।